स्वागत है आप सभी का इस प्लेलिस्ट के अंदर। आज अपन बात करेंगे कि क्यूब कैसे काउंट किया जाए किसी भी शेप के अंदर। तो आज इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ये क्यूब कैसे काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर ये बुक अभी तक नहीं खरीदी तो क्या खरीदी, एक बार चेक इट आउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और चलिए अपन चलते हैं क्यूब को काउंट करना, करते शुरू। अपन क्यूब काउंटिंग कैसे करने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग का ये बढ़िया ही टॉपिक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनना, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला, तीनों एक ही क्वेश्चन है। इस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा नॉर्मली, ये डार्क शेड करके दिखाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है और टफ बनाना हो क्वेश्चन को तो इस तरह से शो कर देते हैं, लेकिन तीनों का आंसर एक ही है। अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो देखो करने का तरीका बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप काउंटिंग करोगे ये कितना है, तो काउंटिंग अपन कर लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। अब जस्ट ना ये उल्टी काउंटिंग कर दो आप, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इनका रिजल्ट कितना निकलता है, 5 आपका, 8 आपका, 9 आपका, अगेन 8, देन अगेन 5, 5, 5 आपका 10 हो गया, ठीक है, 26 एंड टोटल आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है अपन को 35, ठीक है। तो आपको क्या करना था, सिंपली आया यहाँ पर समझ में, तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक और बार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो दोबारा देखो, आपको काउंटिंग करनी है कौन कौन सी कितनी स्टोरी है, स्टोरी का मतलब कितने फ्लोर है, 1 फ्लोर, ठीक है, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, यहाँ पे, यहाँ 4th और यहाँ पे 5th। अब उल्टी काउंटिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन करना है लास्ट में, बस जो भी वैल्यू आएगी उन सबको एडिशन करो और एडिशन पे वैल्यू कितनी आ रही है, 35 आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो 3 पॉइंट है ना बीच के लाइनें, ये हटा दी जाती है हर चीज़ में से। डेट्स व्हाई ये ऐसे लग रहा है जैसे बेंजीन, केमिस्ट्री में बेंजीन होती है ना उसकी तरह लग रही है, हर में से 3-3 ये हटा दिया गया है लाइंस और अपन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और बोलेगा बताओ हाउ मेनी क्यूब्स इन दिस शेप। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये होता है आपका क्वेश्चन होता है सीडी नुमा, यानी लैडर क्वेश्चन कहते हैं इसको। लैडर क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप के, और इसमें भी आपको बोलेंगे कि सर आप हमें क्यूब काउंट करके बताओ इसमें कितने क्यूब है। तो आपको लैडर वाली प्रोसेस ही करनी है, काउंटिंग करनी है कितनी लैडर है, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया नीचे वाला, ठीक है, पहली लाइन। तो अब पहली लाइन बेस हो गई, यहाँ पर आ गया 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 सीढ़ी छड़ के गया है वो, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, वो 4 सीढ़ी छड़ के ऊपर गया, ठीक है, वो 4 सीढ़ी छड़ के गया। तो इनका सबसे पहले आपको करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, तो कितना आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, सो विच इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 30 आंसर हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से क्यूब बता सकते हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेम है, ये वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, इनमें बस लाइंस हटा दी गई है, जो लाइंस थी ना इनके बीच की वो हटा दी गई है, राइट। बाकी क्वेश्चन वो का वही आपका, तो आप कर लेंगे दोनों क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, काउंटिंग कितनी कितनी लेटर है, 1, 2, 3, 4, इनका स्क्वायर कर दो सबका और बीच बीच में प्लस लगा दो और वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। सीढ़ी होगी तो और स्क्वायर हो जाएगा, 5 तक आ जाएगा। तो बस ये वाला क्वेश्चन अपन को इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और आप खुद करने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगेन आपको इसमें क्यूब बताने कितने क्यूब है, तो अपन देखो एक तो अपनी अप्रोच वो वाली है, लेकिन इसमें क्या है, इक्वालिटी नहीं है। उस क्वेश्चन में क्या थी देखो मैं आपको दिखाऊं, इन क्वेश्चनों में क्या था, इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे, देखो यहाँ पे इतने थे, फिर सेम पोजिशन में एक कम हुआ, जैसे 5 थे, देन 4 हो गए, देन 3 हो गए, देन 2 हो गए, देन 1 हो गए। लेकिन उन केस में क्या होता है, इन केसों में ऐसा नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो इन जैसे क्वेश्चनों को आप काउंटिंग मेथड से करो, अपना लॉजिक लगाओ, ये कितनी स्टोरी है, मतलब कितना लेवल है, 1, 1, ठीक है। ये कितने पर है, 2 पर है, ठीक है। ये वाला सर 3 पर है, और एक ये पीछे वाला, ये ऐसे थोड़ी हवा में झूल रहा है, हवा में कोई नहीं झूल रहा है, इनके नीचे भी 2 होंगे, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 आ गया आपका, एक तो +2 +1 +1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 इज योर करेक्ट आंसर, यस। तो आपको सिंपल काउंटिंग करनी और आपको आंसर मिल जाएगा कितने इसके अंदर है और कितने नहीं है, तो 30 इज अ करेक्ट आंसर। आगे चले, चलिए
ये वाला क्वेश्चन, ये तो आप खेलते आ रहे हो बचपन से, खेलते आ रहे हो क्यूब से, तो आप इसका आंसर तो पता ही होगा वैसे तो, लेकिन इसको निकालने का तरीका भी वही सिंपल अप्रोच लेते हैं अपन। सिंपल अप्रोच के थ्रू जाते हैं तो 1 2 3, तीन है तो 3, अगेन इसके पास वाले का 3 और इसका भी 3, ठीक है 3 3 3 9, ठीक है कितनी ले रहे, 1 2 3 तीन ले रहे, मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 27। सो 27 इज योर करेक्ट आंसर इन इट, और आपको पता है वैसे तो इतना ईजी, आप कैसे भी काउंट कर लो इसको, काउंटिंग करोगे तो इसका 27 क्यूब होते हैं इस वाली शेप के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन, अब ये वाला क्वेश्चन है अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन। अच्छा लेवल वाला क्यों क्यों है, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग मेथड ही अप्रोच करनी है अपन को। तो देखो यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, ये 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है इतना हो गया 1 2 3, ठीक है 1 के ऊपर 2 आ गए तो ये हो गया 3। एक सेकेंड देखो, दोबारा देखो, 1 के ऊपर 2 आ गए तो कितना हो गया टोटल 3 हो गया, ठीक है ये कितना हो गया फिर, 1 ऊपर है तो 4 और ये 2 ऊपर है तो 6, ये भी 6, ठीक है ये एक जस्ट नीचे है तो 5 5, ये कितना हो गया 4 4, सॉरी गाइस एक सेकेंड, ये कितना हो गया 4, इसी लेवल पे चल रहा है ना 4 के पे, ये कितना हो गया 3 3 3, ठीक है ये कितना हो गया 4, ये हो गया आपका 3 एंड ये वाला भी 3 हो गया, ठीक है बच्चे कौन से ये, तो इनका लेवल है 2 एंड 2, इन सबको ऐड करने बैठते अपन 6 6 6 18 10, ठीक है 4 4 4, ठीक है ये 16 हो गए, ये 18 हो गए, यहाँ पे 10 हो गया, 3 3 3 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये हो गए तो टोटल इनकी वैल्यू निकलेगी 75। सो 75 इज ए करेक्ट आंसर इन दिस फॉर्म। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम चांस है कि पूछ ले, क्यूब में इतना डीप नहीं पूछता, मेन उनका टारगेट है ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर एंड आपका स्क्वायर। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आरएस अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।